हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं आपका होस्ट और दोस्त सी एस बनी आपके लिए लाया हूँ। आपको पता है आपके लिए क्या लाया हो। चलो सेटिंग चेंज करते हैं अल्ट्रा एच डी आर पे। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या लाया हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और जो एकदम ही अभी न्यू है तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं कस्टम रूम लाया हूँ। है ना, बहुत गंदा पीजे हमारा है। सो लेट्स स्टार्ट आज के टीम्स। प्लेन पाथ फ्रॉम नोवो टू क्वेरी। कल का मैप थोड़ा मेरा मार, तो उसमें थोड़ा मुझे कमेंट्री करने में थोड़ा एकदम दिक्कत आ रहा था। इसमें तो एकदम, ये तो अपने आँख के नीचे का ही मैप है। और यहाँ पे टीम्स में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उधर टीम्स भी ज़्यादा उतरी नहीं है। मिल्टा साइड टीम जा रही है, मिलिट्री बेस में स्टार्स और इलेक्ट्रोस की टीम, कोचिंग की साइड टीम जा रही है, शेल्टर के यहाँ पे टीम जा रही है, और यहाँ पे तो भाई बंच में टीम उतर रही है। ये शायद से पक्का जॉर्ज पुल जाएंगे, एकदम लिख के लेना एकदम गारंटी वाली, क्योंकि यहाँ पे तो लूट मिलेगी नहीं। वन साइड ये लोग उतर ले आए तो ओके मराठी। वन साइड ये लोग उतर लेता तो कुठे जाणार काय ठाऊक। आता जसं तुम्ही बघू शकता की इथे स्टार्सचे प्लेयर्स आणि त्यांच्या समोर कोणी नाही, त्यांच्या मागे इलेक्ट्रोस, और ये टू ओपी दानिश इलेक्ट्रोस के मेंबर चड्डी बड्डी में पहन के आए हैं। और यहाँ पे सीएस के हंटर अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सीएस के नॉइजी तो बहुत दूर नहीं है, पास ही है शायद से, उनके साथ ही है। ऊपर से देते सामने टीम नंबर 6 टीम जीआरएक्स, और वहाँ पे टू ओपी टीम इलेक्ट्रोस के बंदे ने स्टार्ट कर लिया है, और उसने दो बंदों को नॉक कर दिया स्टार्स के। और यहाँ पे जीआरएक्स की टीम गाड़ी चढ़ाते हुए, यहाँ पे आमने सामने की फाइट है। दानिश के हाथ में स्कार है और सामने है स्टार्स का एक बंदा, शायद से छोड़ देगा। और वहाँ पे भी फाइट चल रही है इलेक्ट्रो के बंदे, दो टीमें इलेक्ट्रोस एक है और एक इलेक्ट्रो एक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस के स्कल हाथ में SLR, ओ भाई एक टीम पूरी नॉक हो गई, पूरी वाइप हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बंदे बचे अभी स्टार्स के, और यहाँ पे दानिश को एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसके फुटप्रिंट्स आ रहे हैं उसको, फुटप्रिंट्स नहीं सॉरी, तो उसको लग रहा है ऐसा कि कोई तो है बिल्डिंग में, तो ऊपर जा रहा है और उसको बंदा दिख गया। उसने अच्छा दे दिया सामने सामने, ऑलमोस्ट 10 HP कर दिए। अभी ये सीधा जाके मारेगा और ये मार दिया है मिस्ट के सैम, जो कि स्टार्स में से खेल रहा था आज। और स्टार्स ने एक इलेक्ट्रोस के बंदे को, इलेक्ट्रो गैस को मार दिया है। तो अभी यहाँ पे दानिश बाहर आते हुए, और उसने रिबेल को कर दिया है नॉक, और खुद भी हो गए नॉक पीछे से। अच्छा DP का स्प्रे करते हुए क्रेजी गाय। और यहाँ पे से स्टार्स के अभी अकेले बंदे बचते हुए क्रेजी गए। इन्होंने भी एक शायद से अपना एक प्लेयर को रिप्लेस कर दिया है और लाया है मिस्ट सैम को। तो देख सकते हैं आप दानिश के 3 किल्स हो गए। यहाँ पे भी फाइट हो रही है, बंदे मर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे है चौकीदार सेट, उनके सामने है स्पाइकी 2.0 लाइनअप,
तो यहाँ पे भी एक अच्छी मैच देखने को मिल सकती है। स्पाई के लाइनअप में खाली दो ही बंदे, 2 पॉइंट हो के, और ये तो भाई पूरा आगे ही जा रहे हैं। इतना ओपन में कौन कैसे, मतलब अगर गलती से भी देख लिया तो सीधा स्प्रे की संभावना बहुत है यहाँ पे। ऐसे ओपन में मत भागा करो, सामने अच्छी टीम है बहुत। चौकीदार बोलते, और यहाँ पे दानिश ने फिनिश कर दिया है स्टार्स के लास्ट मेंबर को, और वहाँ पे हो गई है स्क्वाड वाइप। अकेले बंदे ने पूरी स्क्वाड खा ली। सो वेल प्लेड स्टार्स, बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड एक्सीलेंट वर्क टीम इलेक्ट्रोस। और यहाँ पे जैसे फाइट हो सकती है, अभी बहुत क्लोज गए हैं। ऊपर किल स्पीड में देख सकते हैं कि डोस किलर डोस पैक वहाँ पे रोजो के यहाँ पे हो रही है फाइट। और अरे ये फिर से यहाँ पे आ गया, मैं वहाँ के फाइट चली गई, सॉरी। देखते हैं स्कूल के यहाँ पे हो रही थी फाइट। यस स्कूल के यहाँ पे है टीम नंबर 17, और उनके सामने है टीम नंबर 10। शायद से घर के अंदर है कि स्कूल के अंदर है। ओके स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर पूरी की पूरी टीम नंबर 10। ज़्यादातर लोगों के पास तो SMGs हैं। ऐसा नहीं रहता गाइस कि हाथ में AR है SMG है, भाई चलाने वाला OP चाहिए। OP भाई, अगर OP रहेगा ना। और यहाँ पे चौकीदार के सिड नेडिंग करेंगे, क्या ये नेड परफेक्ट हो सकता है, चलो देखते हैं। और ये थोड़ा नेड अंदर की तरफ गए थे, और वहाँ पे किल फीड में डोज किलर ने कर दिया है नॉक एक बंदे को। ये थोड़ा नेड अगर अंदर की साइड गिर जाता, पर चांस ही नहीं था अंदर की साइड गिरने। और अगर एकदम ही वो साइड गिर जाता तो भी बंदा नॉक होता, तो ये तीनों के तीनों बंदे रश करते। वैसे ऐसे अभी इनको पता चलना चाहिए कि लाइक सामने सिर्फ दो ही बंदे। और नीलेश तो लाइक यूज ही लगा के बैठा कि कदी है तथा कभी मारते। ऊपर स्मोक किस बात का किया है इन लोगों ने, ऊपर से नीलेश दे रहे यूजी के फटके। अभी तक तो गए ऊपर, रश कर देना चाहिए था। तीनों अगर एक साथ जा रहे तो एटलीस्ट दोनों को के एक दो तो फिनिश हो जाएंगे, मतलब खुद के टीम के दोनों को। अरे अगर एक बंदा भी अगर एक किल कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा किल कर रहा है, तो भी वहाँ पे दो बंदे तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं CS लोग को, जो कि है यहाँ पे सिग्नेचर स्क्वाड। यहाँ पे तो घूम रही है मस इलेक्ट्रोस, मतलब मैप के चारों दिशा में सभी जगह प्लेयर है, सिर्फ नॉर्थ को छोड़कर। नॉर्थ के सिर्फ जॉर्जपुल सिटी, वो वाली सिटी में बंदे हैं। यहाँ पे IGA के लोग, रोइंस, मतलब क्या ही मिलेगा आपको रोइंस में, सिर्फ पत्थर मिलेगा। पत्थर पत्थर तो अभी बैग के अंदर भर के नहीं जा सकते, ना ही पत्थर से मार सकते। यहाँ पे पबजी में आंदोलन उन्दोलन नहीं चलता ना। और यहाँ पे अभी भी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं चौकीदार सिड, निखिल और नीलेश। अब तक तो रश कर देना चाहिए था। नीलेश ने भी पोजीशन चेंज कर दी है, दोनों बंदे अभी भी है ऊपर। यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रोस के बंदे नहीं आने चाहिए ब्रिज पर, अगर के तो गन्स की आवाज़ सुन के तो वो लोग के मन में भी लालच आएगा। और वहाँ से निकल गए हैं फार्म की साइड, कोचिंग की साइड, शायद से रोटेट करेंगे वो लोग। और यहाँ पे टीम GRX, एक बंदा शहीद हो गया, और बाकी के तीन प्लेयर्स के सामने है टीम नंबर 25 CS, हमारी क्लैन।
अपने बंदे, और टीम GRX का भाई एक बंदा तो बहुत ही पीछे, यहाँ पे दो बंदे हैं, दूसरा बंदा ऐसे गाड़ी लेके आ जाएगा यहाँ पे, एक बंदा तो पूरा लिट हो गया है, तो यहाँ पे गाइस फाइट देखने को बहुत मज़ा आएगा। हंटर और नॉइज ही रोटेट करते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि किल फीड में MRC के बंदे लोग भी चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे हंटर और नॉइज ही रोटेट करते हुए ग्रूट ऊपर है और हीरो भी शायद से ऊपर ही है, हीरो भी रोटेट कर रहा है। ओके, हीरो वॉल के यहाँ पे आ गया, शायद से वो GRX के दूसरे प्लेयर को रोड क्रॉस करने नहीं दे सकता, और ये अच्छा मॉली करते हैं हीरो, पर क्या हो जाएगा। और किल पिट में स्पाइक ट्रिकर ने नॉक कर दिया है निखिल को, दानिश ने बैरी को मार दिया है, और नीलेश को किल स्क्योर कर लिया है, और यहाँ पे पोचिंग के में आप देख सकते हैं कि फाइट हो रही है, यहाँ पे एक फाइट, और यहाँ पे हीरो को जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉक करके फिनिश कर दिया है, और यहाँ पे एक बंदे को वो नॉक करने जा रहे थे और और पीछे से हंटर ने आके दोनों को मार दिया। मतलब अच्छा टीम वर्क था, ग्रुप ने भी हेल्प किया पीछे से एकदम करेक्ट टाइम पे, पर CS के हीरो शहीद हो गए, वेल प्लेड हीरो, सबके खाते में एक एक किल्स, एक्सेलेंट वर्क टीम CS। लूटो भी लूटो, लूटो लूटन गया। कोचिंग की में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस वर्सेस इलेक्ट्रो, यस इलेक्ट्रोस वर्सेस इलेक्ट्रो, तो जेड वर्सेस नो जेड, जेड वर्सेस नो जेड, और पीछे से टीम नंबर 24 भी आते हुए। चलो ज़रा उनके पास देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे रुकेंगे कि नहीं, और यहाँ पे वॉरलॉर्ड की टीम, एक बंदा शायद से मिस हो गया यहाँ पे, और वॉरलॉर्ड भी शायद से थर्ड पार्टी करने को देख सकते हैं, अरे देख सकते हैं क्या, देख ये सकते हैं, पर इलेक्ट्रोस के दानिश उनके ऊपर चार्जअप करते हुए, और लेजेंड ने तो सीधी गाड़ी अंदर घुसा दी, गाड़ी से कर कर लिया, और वहाँ पे इलेक्ट्रो के तीन बंदे, बैरी, और ये बैरी ने स्कल को पूरा ही नॉक कर दिया, और ये तो भाई सीधा चार्ज हो गया भाई, अभी नॉक किया अभी भागना है, सीरेक्स भी उसके पीछे जाएगा शायद से, यस वहाँ पे बेरी ने गैस को भी नॉक कर दिया है, अभी एक ही बंदा बचा है दानिश, जो कि अभी अभी स्क्वाड वाइप करके आया है, तो क्या यहाँ पे भी आपको 1v3 का क्लच देने मिल सकता है, और यहाँ पे फ्री फायर दे दिया है दानिश ने अपने बंदे को, रिवाइव दे देगा, बेरी थोड़ा क्लोजिंग करते हुए, तो यहाँ पे आपको कैसी मैच देखने को मिल सकती है गाइस, 2v3 या 1v3, और वहाँ पे शायद से इलेक्ट्रोस के एक बंदे को मिल गया है रिवाइव, हो जाएगा अभी हेल्थ लेने, और यहाँ पे बैरी को पीछे से शॉट्स पड़ते हुए दानिश के सामने सामने एक बंदा, और ये जिगल करते हुए दानिश ने कमाल कर दिया, पूरा फिनिश करने जा रहा था, अभी दानिश को पता कि ऊपर एक बंदा है, और ऊपर तो बंदा उसने तो स्पॉट ही कर लिया था, और ये मॉली की ट्राई, और बैरी लास्ट मोमेंट पे आ गया बाहर, तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे TPP से देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, और ये सामने सामने के फाइट में दोनों लोग की एकदम, एक की तो बुलेट लगनी थी, वो तो दानिश की बुलेट लग गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रो के आगे एक ही बंदा बचता हुआ, उसको भी जैसे देख लिया है, और ये विंडो से वो विंडो में जाएगा तो मार खाएगा, वो लोग फ्री फायर दे देंगे, तो उनके गन के रेंज के अंदर जा रहे हैं, बुलेट के रेंज के अंदर, तो एक हाथ तो बुलेट लगेगी लगेगी, और हेल्थ तो जाएगी जाएगी, ये भी फ्री फायर दे रहा है कि भाई करेंगे वो लोग और जाएंगे, ओ भाई क्या क्राउच किया बंदे ने राइट मोमेंट पे, और इतना SP पे तो मतलब जाना ही था, इतने SP पे तो मतलब जाना ही था, 7 किल्स हो गए भाई के, 7 किल्स।
यहाँ पे टीम्स पाए रोटेट कर रही है, पीछे है उनके डिडोस। यहाँ पे थोड़ा सिग्नेचर स्क्वाड और टीम हंटर बॉयज। ऊपर है टीम नंबर 10, बीच में टीम नंबर 24। इलेक्ट्रोज ने कैप्चर कर लिया है पोचिंग की, पर पोचिंग का मतलब नहीं है शायद से, जोन तो वहाँ पे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। वही यहाँ पे टीम नंबर 10, टीम नंबर 17, दो दो बंदे स्प्लिट कर दिए है और दोनों अलग अलग गाड़ी से घूम रहे हैं कि अगर एक भी गाड़ी फूट गई तो दो बंदे तो बचेंगे ना, लॉजिक। देख रहे हो बंदे का IQ, बंदों का IQ देख रहे हो। दो गाड़ी तक तो ठीक है भाई, पहले तो था भाई, वो लोग तो चार चार गाड़ी लेके घूमते थे, मतलब क्या ही कहना। मतलब सो गाइस, आज तारीख है, तारीख तो मैं डाल दूंगा, 2 तारीख है ना, हाँ 2 तारीख है। कल रक्षाबंधन है, सो हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम CS क्लैन टू एवरीवन। सो मूव ऑन टू द वीडियो। जोन तो छोटा होगा ही, पर सभी के सभी जोन के अंदर है। और यहाँ पे सिग्नेचर स्क्वाड, ये थोड़े क्लोन स्टार वगैरह नाम देख लिए तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो बाद में फायर ब्रिगेड और तेजस का नाम देख लिया तो पता चल गया कि भाई ये सिग्नेचर स्क्वाड है। यहाँ पे वॉरलॉर्ड के 3 बंदे, नहीं 2 ही बंदे बचे हैं, एक अथर्वा और एक लेजन। अथर्वा ने भाई लास्ट मेरा मार के मैप में तो भाई मेरी पूरी टीम ही खाली थी। और यहाँ पे हंटा बॉय, इसकी चारों के चारों बंदे और सामने वॉरलॉर्ड भाई, हाथ में M24 है, DP है, 4X है, तो अभी तो वन साइड गेम हो जाएगा शायद से। M16 विथ 4X है, और ये PKJ क्या कर रहे हैं भाई, निकल गया अपने बंदों लोग को लिया नहीं। अच्छा मास्टर प्लान भाई, रोटेट करने को देख रहे हैं वो, रोटेशन मतलब वो एकदम घूम के जाएगा और यहाँ पे जो रिज दिख रही है आपको वो रिज के ऊपर जाके खड़ा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के अंदर। देखो 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 कैसे जा रहा है, रिज कैप्चर कर रहा है, गाड़ी रुका ले अभी वहाँ से भागते जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी क्लोज लेके जा रहा है तो आवाज़ आएगा। और जोन बन गया है पूरा रोइंस के साइड, रोइंस और वाटर सिटी, सो दोनों में से एक साइड तो जोन बनना ही बनना है, नहीं तो आगे का जो कंपाउंड है पूरा ओपन स्पेस वहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर स्क्वाड के बंदे ने जैसे कि आप देख लिए कि रोटेशन बराबर से दे दिया है। और पीछे है टीम नंबर 10, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए वॉरलॉर्ड तो एकदम पागल हो जाएंगे अभी, उनको यहाँ से भी गिरेगी वहाँ से भी गिरेगी। टीपीपी से देख रहे हैं, नेडिंग करेंगे निखिल। ओ भाई नेड थोड़ा ऊपर हो गया, तेरी नेड 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 ऊपर हो गया, तेरे पे आके फूटेगा देख, क्या मतलब है सनेडिंग तो। और ये सामने की साइड वॉलर के लेजेंड के सामने सीधा हेड टू हेड आ गया निखिल, और लेजेंड के सामने सामने आ गया तो थोड़ी वो ऐसा ही छोड़ देगा कि भाई यू गो। पीछे से वॉलर को पड़ी भाई आईडी वाले, आइडिया वाले तो दूसरों को ही मार रहे। अच्छा वो टीम नंबर 10 मार रही थी वैसे, और ये सीनियर स्क्वाड और वहाँ पे फाइट होते हुए शायद से किल सिक्योर करने को देख रहे सब, टीम नंबर 17। और यहाँ पे कर लिया है, सो इसी प्रकार
टीम नंबर 17 ने फिनिश कर दिया है एक स्क्वाड को, सिग्नेचर स्क्वाड। सो वेल प्लेड गाइज एंड एक्सीलेंट वर्क। वाटर सिटी में फाइट हो रही है आईजीए वालों की, और स्पाइक की एक 2.0 लाइनअप की जिसके अंदर से दो ही बंदे, एक बंदा वैसे भी नॉक के आईजीए वालों का, और यहाँ पे डबल ड्रॉप, एक बंदा आईजीए का ड्रॉप, एक बंदा आईजीए का नॉक है, ड्रॉप है AWM, और एक बंदा स्पाई वालों का नॉक है, स्पाई 2.0। यहाँ पे भी फाइट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म भी कर दिया टीम GRX ने। किसको मारा? ओ भाई इलेक्ट्रोस के बंदूक को मारा, मतलब कैसा खेल फिट के। यहाँ पे भी मैं देखना भूल गया, अरे बाप रे, इलेक्ट्रोस के शायद से अभी दो ही बंदे बचे थे, एक तो दानिश था और एक था बंदा, वो दोनों को भी मार दिया है। तो यहाँ पे गाइस टोटल अलाइव है 26, टीम अलाइव 8। यहाँ पे स्पाइक के सिर्फ दो ही बंदे सामने, पूरी की पूरी आईजीए की टीम है, ये दो बंदे क्या करेंगे। सो देखते हैं, अगर 2 vs 4 कर रहे तो भाई बहुत बड़ा वाला शॉर्ट आउट दे दूंगा आपको। यहाँ पे हंटा बॉयज के सामने टीम नंबर 10 PKJ, टीम नंबर 10 के बराबर सामने, और ये जोन जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर सिटी से हट के रूइंस बन गया है, और वहाँ पे CS की टीम अपना झंडा गाड़े एकदम बैठी है वहाँ पे, उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो क्या बोलते हो, सब लोग दे रहे हैं, कोई आ रहा है और ये ऐसे उठ के मार रहा है, पर इसको भी थोड़ा खतरा है, ये उठ के मार रहे तो सामने के बंदे इसको मारे ना, तो भी सेफ साइड। उसने सामने बस के यहाँ पे छोटी खराब बस है उसके यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है, और वो पीछे के बंदे को भी देख रहे आते हुए, तो ओ राणे, और वो भी हो गया है नॉक, मतलब इसको बोलते हैं बैकअप। अभी दो बंदे नॉक है, दो बंदे तो मतलब एकदम राइट साइड है, एक बंदा तो घर के अंदर गया। अथीना अभी, और ये क्या परफेक्ट नेट हो सकता है, अगर गलती से भी परफेक्ट नेट हो गया तो वहाँ पे किल मिल जाएंगे, ये तो बहुत ही दूर कर गया नेट, क्योंकि इनको पता है इसकी कहाँ पे मतलब नॉक किया है, तो वहीं पे नेट डालो, मैं इतना पीछे डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते कि स्मोक के एकदम डूनर्स बन गए, और वहाँ पे मॉलीटेल भी ऑलमोस्ट लग जाती है, थोड़े के लिए बच गए। यहाँ पे टीम नंबर 10 हंटा बॉयज के सामने 3, और वहाँ पे नॉक कर लिया है साहिल को, साहिल है टीम नंबर 13 का, जो अपने देख सकते हैं। नहीं अभी से दो ही बंदे बचते हुए, राज और जोन भी आ गया, अभी भागना पड़ेगा इनको। किल स्पीड में सर बोल रहा हूँ, किल स्पीड में आप गाइस देख सकते हो आराम से कि कौन किसको मार रहा है, क्योंकि एक ही टाइम पे मैं 2 से 3 फाइट्स नहीं देख सकता ना। ओ भाई वो नॉक वाला बंदा इतना दूर चला गया रेंगते रेंगते, ऐसा डैम, और यहाँ पे बंदा क्लोजिंग करते हुए पर उसको PKJ ने मार दिया है, और PKJ को पीछे के हृदय वाले बंदे ने मार दिया, और यहाँ पे किल सिक्योर कर लिया है अथीना के अभी ने, हंटर बॉयज के अभी ने। अरे हरगंज जाते, और शायद से देख लिया था, यस योहान ने देख लिया था उनको, अभी जोन के अंदर तो भागने, अभी फटाक से गाड़ी लेके छू मंतर गली मंतर हो जाओ, या तो जोन तो गंदा वाला काटे गए तुम लोग का। और वहाँ पे बेचारे दोनों जोन की वजह से मर गए, मतलब ऐसा गाइस अब गन फाइट में मर रहे हो ना तो भी इतना गम नहीं था, पर अगर आप जोन के अंदर मर रहे हो ना तो एकदम ऐसा होता है कि अरे यार
थोड़ा जल्दी आता। अरे यार थोड़ा प्रैक्टिस करता। अरे थोड़ा यार थोड़ा 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 सब कुछ लाइफ में सब थोड़ा थोड़ा ही होता है। यहाँ पे आई जाए के टपाटप हाथ में सिक्सेस। आई जाए की टीम के सामने है स्पाइक की लाइनअप 2.0 और यहाँ पे दे रहे हैं और स्नाइप्स। नाम के हिसाब से भाई स्नाइपर चला रहे हैं M20। बंदा पहले से ही नॉक था तो और थोड़ा एक दो बुलेट गिर गया तो भाई बंदा पूरा फिनिश हो गया। तो भी ये बंदा ट्राई कर रहा था अकेला मिलने को और उसके सामने है CS की पूरी टीम। अभी ये जा तो रहा है पीछे से और यहाँ पे CS के सामने टीम नंबर 6 टीम GRX। हंटर ने क्लोजिंग कर दिया है और यहाँ पे नॉइजी को शॉट्स गिर गए हैं टीम GRX के समेटो से। नॉइजी और हंटर पीछे ग्रूट शायद से बैकअप के लिए खड़ा है और वहाँ पे हंटर शायद से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया। एकदम बहुत क्लोज आ गया। नॉइजी भी क्लोज आ गया है एकदम डायरेक्ट दूसरे से। ओ भाई पेड़ है और ये शॉर्ट्स कनेक्ट नहीं हुए। बस नॉइजी वहाँ पर बस या ग्रूट किया गया। यहाँ पर तो हंटर ने एक बंदे को नॉक कर दिया, दो बंदों को नॉक कर दिया और यहाँ पे पूरी CS क्लैन ने बजा दी है टीम GRX की। अ वेल प्लेड बॉयज। सो अ शाउट आउट टू टीम SS। थैंक यू। ऐसा खुद के लिए शाउट आउट दिया तो कैसा एकदम अलग ही फीलिंग आता है। आपको क्या बताओ, कमेंट्री करो आपको कभी ऐसा खुद का टीम जीत रहे हैं ना। हाँ और गाइस मैं शॉर्ट आउट करना चाहता हूँ कि मैं ना किसको ग्रुप पे कॉल करता हूँ मैसेज करता हूँ किसी दूसरे फ़ोन से कि लाइक हाँ यहाँ यहाँ पे ये टीम है वहाँ वहाँ पे ये टीम है। अगर ऐसा होता तो गाइस मेरी टीम तो हर बार जीतती। इतना कस्टम रूम खेले मेरी टीम से एक ही बार जीती है। तो थिंक ऑफ इट। ओ ये युवा देखो भाई अंदर से देखो, हमें भी दिला दो ऐसे युवास। वहाँ पे टीम नंबर 9 मिस्ट गेमिंग एकदम जोन के अंदर बैठ गया एकदम। अभी जो जोन में रहेगा वो राजा। अभी सब लोग जोन के अंदर भागेंगे। यहाँ पे टीम नंबर 12 रोटेशन कर रही है और टीम नंबर 12 का एक ही बंदा स्पाइक ही लाइन पे ही है। देख सकते हैं आप कितने टीम्स अलाइव है और कितने टीम्स हैं, कितने किल्स कर लिए हैं। यहाँ पे शायद देख लिया है टीम नंबर 12 के बंदे को CS के नॉइजी ने और ख़त्म नॉक कर दिया है। नहीं भाई पूरे ख़त्म कर दिया क्योंकि वो अकेला ही बंदा बचा था टीम स्पाइक लाइन आपका। और यहाँ पे नॉइजी वाले बंदे को देख लिया और अच्छा रिकॉइल M4 विथ 4x अच्छा रिकॉल दे दिया था। और वहाँ पे डोज किलर ने मार दिया है, नॉक कर दिया है IGI के प्लेयर को और वहाँ पे बच्चे में फाइट हो रही है। IGI के दो बंदे नॉक, एक बंदा अभी भी पीछे है और एज यूजुअल जोन के साथ में। बंदा रिवाइव करने को सोच सकता है, सोचना ही पड़ेगा क्योंकि उनको जोन के अंदर भी जाना है और अपने प्लेयर्स को भी बचाना है। उनके पास गाड़ी भी है मेन, मतलब अगर फटाक से रिवाइव हो रहे तो भी ऊपर जाके कौन से भी घर वर के पास ना तो झाड़ी वाड़ी के पास जाके सीधा लीन करके फिर हील कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा रिवाइव दे दिया है तो क्या बच जाएंगे भाई? बच गए शायद से। और वहाँ पे हंटर को दे रहे हैं क्या करेंगे और कर लिया है सिक्योर। डोस्ट को मार दिया हंटर ने और बाद में IGA के बंदे। ओ भाई हंटर को बल्कि जगह से गिर गई, सीधा हेड मार दिया है IGA के स्नाइप्स ने। वहाँ पे नॉइज ने शायद से नोटिस कर लिया कि कोई तो है। वहाँ पे ग्रूट स्मोक के ऊपर स्मोक कर अपने पार्टनर के ऊपर और उनके पीछे है मिस गेमिंग। तो मिस गेमिंग से भी शॉट्स गिर जाएंगे गाइस। शॉट गिर गए हैं। सो अभी मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि सर्कल अभी अनप्रेडिक्टेबल था। अभी तो भाई ओपन में ही खेलना है, मतलब डू ऑर डाई। हाँ मैं भी नहीं गाड़ी फोड़ने वाला, देखते हैं।
अभी एक दोस्त का मैसेज आया था तो वो याद आया मेरे को कि उसका एक मिशन था, कुछ तो गाड़ी वाड़ी फोड़ने का था ना, वीक 2 नहीं तो वीक 3 का मिशन है। सो अभी याद आ गया तो बोल दिया मैंने, हाँ गाड़ी फोड़ना था। गाड़ी ना एक्चुअली गाड़ी का टायर है, तो मिशन से ना गाड़ी तो एकदम ठंडा लगा। ऐसा कैसा RP, जो जो लोग RP ले रहे हैं तो वो लोग का डायरेक्ट 100 RP चाहिए, डायरेक्ट वो कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा तो होती है भाई। और यहाँ पे मिस्ट गेमिंग को शॉर्ट्स गिर रहे हैं तो भाई झाड़ को इतना चिपक के बैठा है कि मतलब झाड़ के अंदर ही घुस जाएगा अभी ब्लीचर से। गाड़ी कैसे याद आया, 3 CS और 10 मिस्ट के पास गाड़ी है भाई, वो लोग गाड़ी का कवर लेके ग्रुप तो उनके लिए ही आसानी कर रहा है भाई, उनकी गाड़ी फूल जाए कवर बनाने से। और 3 CS का एक ही बंदा बचा था, वो भी भाई खा गए मिस्ट गेमिंग। ऐसा क्यों भाई, क्यों वाई? अभी टीम अलाइव 3 टोटल लाइफ 7। आई नो मेरी कमेंट्री में कुछ भी मैं बोल देता हूँ, कमेंट एक्चुअली है थी वैसे गेम के बारे में कम, और यहाँ वाली बात ज़्यादा रहती है गेम के बारे में। जो ये IGI के स्कैरी ने मार दिया है के बंदे को, और यहाँ पे 2 टीम्स अलाइव, मिस गेमिंग और IGI। सो गाइस, हु विल बी द विनर, विनर चिकन डिनर। श्रावण चालू आहे पण तरी आम्हाला हा चिकन डिनर चालेल, आणि हे पोरं एकजुट जुटले आहेत, दोघांचा सामना आहे तिघांसोबत, इकडं IGI आणि तिकडं मिस्ट, कायच बोलणार। तर बघा आता कसा गेम चालू आहे, आत्ता आपण मराठीत बोलणार थोडा वेळ तरी, ते गाईच गाईच करून जरा हे झालं आहे, गाईच झालं आहे तर गाईच। सो तुम्ही इकडे बघू शकता, एक बंदा झाडाला मागे लपला आहे, आणि लपला नाही बोलू शकत, त्याला कवर घेणं बोलतात, पण झोन पूर्ण फेवर झाला आहे मिस्ट गेमिंगच्या अंडर। तर एकच चान्स आहे, स्मोक करा आणि त्या धुरामधून पळा, नाही तर झोनमध्ये मारा। आणि हा भाई बॉम्ब टाकला आहे आणि चांगला कनेक्ट झाला आहे, आणि तिकडे IGI-चा स्कॅरी शहीद झाला, तिकडून मिस्ट गेमिंग रोटेशन देते, एकाला नॉक केला आणि काय करू शकणार, तिघे तिघे जण चढले। तर सो बॅक टू द लँग्वेज गाईज, सो द विनर हा मिस गेमिंग, कॉन्ग्रॅच्युलेशन मिस गेमिंग, एंड बाकी के आप देख सकते हैं, सो वेल प्लेड अदर प्लेयर्स। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना, बेल आइकन दबाना ऐसे वीडियोस देखने के लिए, कमेंट करना और शेयर करना। सो अगर आपको भी कस्टम्स रूम ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, आपको डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज रूम आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। सो बाय बाय, कीप प्लेइंग कीप स्लेइंग।